हाँ तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम आया था तो देखो शुरू से देखते हैं हम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की कलगी होती है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। जब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगते, मतलब पंख की हवा लेने का जो पंखी रहती है ऐसे, वैसे ही वो सुंदर लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है, यानी कि इसको कलगी कैसी आई है, हुदहुद के सर पे कलगी कैसी आई, इसके बारे में हमने एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। तो आगे देखते हैं। देखो, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंग और चटकीला होता है। रंग बिरंग अलग अलग रंग है और चटकीला यानी कि ज्यादा चमकीला होता है, एक शाइनिंग होती है उसके ऊपर होती है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धब्बियां बनी होती है। देखो मैंने पिक्चर में दिखाया है ना, ऐसी ऐसी काली काली धब्बी होती है। देखो इसके सर पे भी, यहाँ पे भी काली काली धब्बी है, इससे वो ज्यादा सुंदर लगता है। तो आपके बुक में भी दिखा है, देखो बहुत अच्छा पंछी है, दिखने में कितना है क्यूट क्यूट है, एकदम अच्छा दिखता है। और सर पे जो उसका ताज आया है कलगी, जिसे वो फैलाता है तभी एक पंखी की तरह, मतलब हवा लेने वाला छोटा सा पंखी रहता है ना, हाथ में लेके हम हवा लेते हैं, वैसे वो सुंदर दिखता है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला यानी कि चमकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। तो ये सवाल भी आएगा गर्दन का, जो देखो तुम पिक्चर में देख सकते हो, तो बादाम का कलर कैसा रहता है, ब्राउनिश थोड़ा रहता है, उसमें थोड़ा व्हाइटनेस आता है, तो जैसा बादामी कलर दिखता है वैसा उसके गर्दन में जो पर है वो बादामी कलर के है, बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, चोटी यानी उसकी पूंछ जो है वो भी बादामी रंग की। चोटी सर पे जो, और थोड़ा सर से भी थोड़ा आगे वो उधर भी बादामी रंग होता है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा, मतलब नीचे सफेद होता है दुम, यानी कि उसका ये जो पीछे वाला भाग है वो रंग का काले रंग का होता है, ऊपर से थोड़ा काला काला रंग दिखता है लेकिन नीचे से वो सफेद होता है। चोंच पतली होती है इसकी, और चोंच नोकीली और पतली होती है। देखो यहाँ से कैसी नोकीली है और पतली भी है ना, पतली है एकदम पॉइंटेड ऐसी रहती है। चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है, तीखी यानी कि एकदम नोकदार। इस चोंच से ये सांस आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ लेता है। और इस चोंच का क्या हो, उसको फायदा क्या है, कैसे उपयोग करता है वो, तो जमीन के अंदर अगर कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लपेरे छुप के बैठते हैं ना, उन्हें निकालने के लिए इस चोंच का वो इस्तेमाल करता है। चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है, इस चोंच से ये आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। और अपना भक्ष यानी कि अपना पेट भरने के लिए वो क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। और वो कीड़े मकोड़े कहाँ पे मिलते हैं, उसे एक पेड़ का जो बड़ा लकड़ी होता है उसमें होते हैं, नहीं तो जमीन के अंदर होते हैं। जमीन पे घास भी होता है और वो घास साइड में करके वो अपने ये नोकीले चोंच से जमीन के अंदर जमीन खोद के यानी कि उसमें गड्ढे करके वो ये छोटे छोटे कीड़े निकाल के अपना पेट भरता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी, नहरनी यानी नाखून काटने वाला एक छोटा यंत्र रहता है, यानी कि उसको हम नेल कटर बोलते हैं। आ रहे हैं समझ में, क्या है, नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे
हजामीन, हजामीन भी चिड़िया, हजामीन चिड़िया मतलब वो उसका चोच कैसे, चोच के वजह से नाम उसको आया हजामीन, यानी कि जमीन के अंदर से खोद के निकल कर कीटाणु कीड़े छोटे छोटे खाता है, इसलिए हजामीन उसको नाम मिला है। यानी कि उसका चोच इतना नोकीला है, वो कैसा है, नरहिन जैसा है, यानी कि नेल काटने वाला, नाखून काटने वाला एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे हम नेल कटर बोलते हैं, वैसा उसके मिलती जुलती, यानी कि उसके बहुत मिलती है उसकी चोच, इसलिए उसको ये नाम भी मिला है हजमीन। चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, कई कई भागों में ऐसा है। उद्भूत हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, और ये हमारे भारत देश में तो सभी जगह पे है, कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जंगल है वहाँ पे ये पाया जाता है, पाया जाते हैं। तुमने इसे अपने घर से आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा, अपने आसपास घर, किसी का घर जंगल के आसपास घर है तो वो हमेशा देखते होंगे। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा, बोलते समय ये तीन बार हुक हुक हुप, कैसा आवाज निकलता है बोलते समय, वो हुप 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 ऐसा कुछ कहता है, ऐसा यानी कि उसका वो आवाज निकालता है हुप 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 ऐसा, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, दूब यानी के एक मुलायम सा घास, दूब की छड़ी, हाँ तो मुलायम सा घास, दूब से दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे दुबिया भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं देखो, इसको दुबिया भी कहते हैं, क्यों तो वो दूब से यानी कि घास से कीड़ा निकाल के खाता है, इसलिए दुबिया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं, तो शाह सुलेमान ने इनको ये कलगी बहाल की है, तो इसलिए उस उनके नाम से, वो राजा शाह सुलेमान राजा के नाम से भी उसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है। कौन ये हुदहुद? मादा, नर और मादा, जो मादा जो है वो 3 से 10 तक अंडे देती है, और जब तक उसमें से पिल्ले निकलते नहीं तब तक वो अंडे पे ही बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है, और जो नर रहता है उसे क्या करता है, जमीन से कीड़े मकोड़े निकाल के उसे यानी कि उसको खाना वहीं पे ही परोस देता है, खाना जगह पे ही ला के देता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। जो वो जो कितना भी पुराना घोंसला बन जाए, पिल्ले वो उसी में ही निकल जाते हैं, लेकिन घोंसला कोई इसमें से साफ नहीं करता है, घोंसले की सफाई नहीं करते हैं ये लोग, ये इनकी खासियत है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है ये हुदहुद, ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो दिखने में इतना सुंदर है, लेकिन अभी हम तोता पालते हैं, पालतू पंछी क्या क्या है, लव बर्ड पालते हैं, बहुत सारे हम कबूतर पालते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन इसे कोई पालता नहीं है, दिखने में इतना सुंदर है लेकिन इसका आवाज भी इतना सुंदर नहीं है। तो इसके बारे में अभी इतनी हमने जानकारी ली है, अगली ताशिका को हम क्या करेंगे, इसका जो क्या है प्रश्न उत्तर जो है वो हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, चलो फिर मिलेंगे अगली ताशिका को, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून बच्चों, तो आज एक हम नया पाठ पढ़ने शुरू करने वाले हैं, उस पाठ का नाम है, बोर्ड पे लिखा है हुदहुद। तो हुदहुद क्या है,
हुदहुद को हम कट फोड़वा भी कहते हैं। एक वो पक्षी की जाति है, यानी कि वो एक पंछी है। जैसे हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पाए जाने वाली पंछी है, कबूतर है, मोर है, कौवा है, स्पैरो यानी कि चिमनी है, चीऊ जिसे हम बोलते हैं, तोता है, मैना है, बहुत सारे पंछी हम देखते हैं। वैसे ये हुदहुद एक अलग जाति का, एक सुंदर अच्छा दिखने वाला, उसका बादामी कलर का रंग है और काले और सफ़ेद उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे लेयर्स है। उसके पंख बहुत सुंदर है, वो अच्छा दिखने वाला लंबी चोंच वाला हुदहुद नाम का एक पक्षी है। अभी उसको क्या मिली है? कलगी मिली है। कलगी यानी के राजा महाराजों के सर पे जैसा मुकुट होता है, वैसे उसके सर पे एक मुकुट है, यानी के पर पर से ही बना हुआ है, वो उसके पंख से ही बना हुआ मुकुट है। वो उससे भी उसका सौंदर्य जो है, यानी कि उसकी दिखावट है, वो बहुत अच्छी दिखती है। ऐसा ही पंछी है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। पाठ ही वैसा ही। मैं दूसरा एक पंछी का यहाँ पे पिक्चर निकाला है, वो है गिद्ध। गिद्ध यानी के गिदड़, ऐसा उसको बोलते हैं, वो भी एक पंछी है। उसकी खासियत ये है कि वो सेव खाके जीता है। सेव यानी के मृत, कोई मृत प्राणी है, मृत होके जमीन पे गिरा है, तो उनको पता चलता है वो कहाँ कहाँ से, जहाँ पे रहते हैं वो उस स्मेल से वहाँ पे आते हैं और उसको खा के अपनी जो सृष्टि है इसका संतुलन रखते हैं, मतलब उसको साफ सुथरा रखने का काम करने वाला एक गिद्ध है। लेकिन अभी जो प्राणी मृत होता है उसे एक तो दफन करते हैं, नहीं तो जला देते हैं, नहीं तो अभी रास्ते के किनारे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स मरते हैं, यानी कि प्राणी मरते हैं, कुत्ता मरता है, तो हम फेंक देते थे पहले ऐसे ही। तो ये जो पंछी है उन्हें आके खाता है और अपना पेट भरता है। लेकिन अभी क्या होता है, कुछ लिक्विड उसके ऊपर फेंक देते हैं तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो ये इस पंछी का प्रजाति जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ये सब हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। तो ये पाठ सीखने से पहले हम क्या करते हैं, ये 13 नंबर का पाठ है, विषय हिंदी है आपका। तो बच्चे देखो, हुदहुद यानी के कट फोड़वा, इसके कोई कठिन शब्द है पहले हम देखेंगे, बाद में पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। कलगी मतलब ये हुदहुद के, हुदहुद को कलगी कैसी मिली, मतलब उसके सर पे ये जो ताज है वो कैसे उसको मिला। तो कलगी यानी के पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का या परों का ताज होता है, बालों का गुच्छा होता है। गुच्छा यानी के एक राजा महाराजों के सर पे कैसा हम सोने का मुकुट पहनते हैं ना, वो राजा महाराज, क्योंकि वो आम इंसान से थोड़े अलग रहते हैं। जैसे ही अपने अभी हमारे नेता लोग हैं, कुछ अलग ढंग का कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर अलग ढंग का कोट पहनते हैं, क्योंकि अपनी पहचान बनाने के लिए कि हम थोड़े अलग हैं। वैसे ही ये पंछी, ये जो हुदहुद है, उसके सर पे एक कलगी आई है, यानी कि मुकुट है। लेकिन उसको वह कैसे मिला है वो भी हमें देखना है। अभी उड़न खटोला, उड़न खटोला किसे बोलते हैं, उड़ने वाले वाहन जो हवा में, पहले के जमाने में ऐसे, ये कहानी में अक्सर है, ऐसे रेल में मैंने तो देखा नहीं, कहानी में आता है, एक झाड़ू के ऊपर बैठ के एक बूढ़ी आकाश में चलती है, उसके ऊपर भी कुछ कहानी है, एक कहावत है ऐसी भी, मतलब ये सब कहानी में चलता है। इतना याद रखो कि उड़न खटोला, मतलब खटोला यानी कि अपना छोटा खटिया, या वो दिखाया है वो चटाई जैसी है और उसके ऊपर बैठ के वो हवा में उड़ता है, उसे बोला गया है कि उड़न खटोला, उड़ने वाले वाहन। गिद्ध, गिद्ध जो जो अभी इस पंछी के बारे में मैंने आपको बताया, ये है गिद्ध। गिद्ध, गिद्ध यानी कि सेव खाने वाला लंबी गर्दन का प्रसिद्ध पक्षी है, या प्रसिद्ध है। सेव यानी मृत प्राणी, मृत प्राणी का मांस खाके, मांस खाके वो ये जीने वाला पक्षी है, प्रसिद्ध है ये। अभी इसकी प्रजाति थोड़ी कम हुई है, पहले हमारे इलाके में भी बहुत आता था ये पंछी को, ग्रुप बना के आते हैं।
भेंट यानी मुलाकात, हम किसी के साथ भेंट के मतलब मिल के बातचीत करते हैं उसे मुलाकात कहते हैं, उसे ही भेंट कहा गया। चतुर यानी अपना मतलब निकालने वाला, अपना कुछ भी काम हो वो चतुर ऐसे अपनी होशियारी से निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, चतुर बोलते हैं। यानी क्या, अपना मतलब अपना काम निकालने वाला चतुर होता है। वरदान, वरदान किसे कहते हैं, कोई प्रसन्न होके हमें कुछ वर देता है या कोई मांगी हुई चीज देता है या कोई सिद्धि देता है। सिद्धि मतलब हमें मांगने वाला दे, जो देता है ना वही वरदान होता है। क्या है ना, वरदान, प्रसन्न होकर मतलब खुश होकर देता है, कोई मांगी वस्तु या सिद्धि के देने की क्रिया जो होती है उसे वरदान कहा है। हाँ, भगवान ज्यादा करके भगवान वरदान देता है, कोई बड़े लोग वरदान देते हैं, हाँ? अपने माँ बाप भी तुम्हें वरदान देते हैं, अगर आप उनके पैर छुए तो आपको लंबी उम्र लगे, ऐसे वरदान देते हैं, है ना। यार खुश रहो, निरोगी रहो, ऐसे वरदान देते हैं। इसे वरदान, वरदान का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होकर कोई मांगी वस्तु या सिद्धि देने की क्रिया। परामर्श, दूसरे से ली जाने वाली सलाह, हम किसी से सलाह मांगते हैं कुछ काम अपना निकालने के लिए, मैं वो काम कैसे करूं मुझे आइडिया नहीं है, तो उससे सलाह लेके वो हम व्यवहार पूरा करते हैं। मतलब दूसरे से दी जाने वाली सलाह यानी कि परामर्श। वंश, वंश क्या होता है, कुल, मैंने अभी इसके बारे में बताया कि ये प्रजाति अभी खत्म हो, मतलब इस जाति के पंछी पक्षी खत्म हो रही है, वंश यानी कुल या जाति। चेतावनी, चेतावनी का मतलब क्या है, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। पहले ही मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं यानी कि सावध कर रहा हूं, आपको सावध कर रहा हूं कि वो तुम्हें नहीं करना है, वहां पे नहीं जाना है, ऐसे चेतावनी जाती है कि वो तुम करो मत क्योंकि तुम धोखे में आ सकते हो, इससे मतलब उसे सावध करना, उसे चेतावनी कहते हैं। सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसे चेतावनी कहते हैं। ताज, अभी आया देखो, ताज जो राजा, राजा का मुकुट, राजा के सर पे सोने का मुकुट होता था पहले, अभी भी राजा महाराजों का राजा भी चला गया है, अभी देश चलाने का काम मंत्री लोगों के हाथ में है, तो वो अपना हुलिया दिखाने के लिए अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, सर पे गांधी टोपी पहनते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा अलग पोशाक बनता है, कोट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। राजा का मुकुट यानी के ताज। पर यानी पंख, पंछियों के पर है उसे पंख, पंख को ही पर बोलते हैं। शोभा यानी के सुंदरता, शोभा कोई अच्छा दिखता है तो वो सुंदर दिखता है तो वो बहुत ही शोभिवंत या शोभवंत दिखता है, ऐसा हम बोलते हैं। समेटी, इकट्ठी की हुई वस्तु, समेटना यानी के कुछ मटेरियल हम समेटते हैं, कुछ चीजें एक जगह पे समेटते हैं यानी के इकट्ठा करना उसे बोलते हैं समेटना। तो देखो चेतावनी किसे कहते हैं, हम किसी को चेतावनी देते हैं यानी के सचेत करते हैं, सचेत करना यानी के चेतावनी देना कि तू आ मेरे साथ मुकाबला कर, हम चेतावनी देते हैं उसे सचेत करना कहते हैं, उसे प्रेरित करना। तो देखो ये पाठ हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं, तो कलगी, मैं पहले छोटी सी आपको इसकी कहानी बता रहा हूं। ये जो पंछी है उसको ये कलगी कैसी मिली है, तो देखो पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार हुदहुद को कलगी कैसी मिली, क्या है ये हुदहुद नाम का जो पंछी है उसके सर पे जो कलगी यानी के तुरा भी उससे बोलते हैं, यानी के मुकुट जो परों का बना हुआ गुच्छ उसके सर पे कैसे आया, इसके बारे में हमें जानना है, हुदहुद को कलगी कैसे मिली है। तो देखो बच्चों अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे वही लाइन देखते चलो, हर शब्द पे अपना ध्यान होना चाहिए क्योंकि लिखते समय आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए आप बुक में ध्यान देके सुनो। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह
आकाश में चलने वाले आपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। हाँ, पहले हम ये पाठ पढ़ते हैं कैसे। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गीदों से उन्होंने कहा कि आपने पंखों से तुम लोग मेरे सर पर छाया कर दो, पर गीदों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल से सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गीदों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गीदों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सोने की कलगी मांगी है। देखो बादशाह ने हंसते और बादशाह क्या हुआ, बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। पर मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, और खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुद के सिर पर परों का ये ताज यानी कि कलगी शोभा पा रहा है। आया बच्चों समझ में, ये जो हुदहुद है, हुदहुद नाम का ये जो सुंदर पंछी है, मैंने इसका छोटा सा यहाँ पे पिक्चर निकाला है, ऊपर गिद्ध का भी पिक्चर निकाला है। ये दोनों पंछी है, ये किसको मिले हैं, ये बादशाह को मिले हैं। जो बादशाह अपने उड़न कटोले में बैठकर कहाँ जा रहे थे, आकाश में विहार कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे, आकाश से कहाँ जा रहे थे। तो उड़न कटोला क्या है, उड़न खटोला उड़ने वाला एक वाहन है, जैसे चटाई जैसे दिखता है। मैंने आपको बताया भी कि एक गुड्डी आपके कहानी में आती है, वो झाड़ू पे बैठ के घूमती है, वैसे ही ये उड़न खटोला है। ये सब कहानी में शोभा देने वाली चीजें है बच्चों, इस आ रहा है ना समझ में, ये सब कहानी में ही शोभा देता है। अभी रियलिस्टिक में ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये विज्ञान युग चल रहा है अभी। तो ये है कलगी, इसके सर पे आया हुआ, और ये हुदहुद नाम का पंछी। इसको आप कुछ अलग नाम से जानते हो तो वो भी यहाँ पे तुम्हें ढूंढना है, हम उसका तलाश करेंगे। और ये है गीत। अभी देखो इस कहानी कैसे हम एक बार समझाते हैं। एक बार हुदहुद को कलगी कैसी मिली है, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न कटोले बैठे कहीं जा रहे थे।
बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गीदों से उन्होंने कहा कि आपने पंखों से तुम लोग मेरे सर पर छाया कर दो, पर गीदों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। और ये जो बादशाह है, एक दिन क्या हुआ, ये बादशाह अपना उड़न कटोला जो है उस कटोले पर बैठे और कहीं जा रहे थे। तो जैसे जैसे वो ऊपर गए तो सूरज की किरणें तो बहुत तेज चल रही थी, बहुत सा धूप था। अगर हम समझो कि धूप में एक 5-10 मिनट खड़े हो गए तो हमारा शरीर गर्म होने चालू होता है, धूप से हमारा शरीर इतना गर्म होता है कि धूप सहा नहीं जाता है। तो ये राजा जिस वहाँ पे ऊपर तो कुछ छाव नहीं है, पेड़ नहीं है, तो हवा में जा रही है, तो इतना सूरज तेज था कि वो धूप से परेशान हो गए उड़ते उड़ते, मतलब उस उड़न कटोल पे बैठ के परेशान हो गए। और उन्हें लगा कि मुझे अभी छाया धरने वाला, मेरे ऊपर छाया धरने वाला कोई तो आना चाहिए। तभी क्या हुआ, एक गिद्ध, गिद्ध जो है गिद्ध नाम का पक्षी है, ये क्या करता है, सेव खा के जीता है। शेवयानी मृत प्राणियों को खा के उन्हें पता चलता है, सूंघ के, उसका सूंघने का पावर इतना तेज होता है कि कहाँ पे मैलो मैलो दूर कहीं एनिमल मर के, यानी कि सेव उसका है, तो उनके उन्हें इस पंछियों को एक वरदान है वैसा, वो सुन के पता चलता है। और वहाँ पे बहुत सारे गीत आते हैं और वो उसको खा के सपाचट कर देते हैं, यानी कि पर्यावरण का संतुलन भी रखते हैं, जो गंदगी या बीमारी फैलने से वो रोक देते हैं। लेकिन ये प्रजातियाँ भी बहुत, मतलब नाम से हो रही है, मतलब नहीं है, कम हो गई है। क्यों, तो ऐसे सेव अभी ज़्यादातर मिलते नहीं, ये खुद शिकार नहीं करते हैं, ये ऐसे ही मरे हुए प्राणियों को खा के, यानी कि सेवों को खा के अपना उपक्रम चलाते हैं, ऐसा ही है। तो कहानी में क्या बताया, ये बादशाह उड़न कटोले पर बैठ के जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा धूप लग रही है और वो तलाश में है कि मेरे ऊपर कोई छाँव धरे। और तभी उनको, वो बादशाह को मिलते कौन है, ये गीत मिलते हैं। और गीत को राजा अपनी बात बताता है कि तुम मेरे ऊपर अपनी पंखों से छाया धरो तब मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये गीत क्या बहाना बनाते हैं, देखो हम तो छोटे छोटे हैं, देखो तो हमारे गर्दन पे पर भी नहीं है और ये काम हमसे नहीं होगा, यानी कि वो बहाना बनाते हैं। तो देखो आगे चलो, सुलेमान आगे बढ़ गए, वहां से सुलेमान नाम के बादशाह जो है वो आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई, मुखिया यानी के उस गढ़ का प्रमुख होता है, कैप्टन जिसे बोलता है प्रमुख, यानी के मुखिया, मतलब हुदहुदों के जो मुखिया था, मुखिया से मिले कौन, सुलेमान नाम के बादशाह। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी, क्या मदद मांग रहे थे, वो सर के ऊपर छाया धरने की मदद मांग रहे थे। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, वह चतुर था, चतुर यानी के होशियार था, मतलब उसे कुछ अपना भी काम निकाल, होशियार किसे कहते हैं, वो चतुर यानी के अपना काम निकालने के लिए कुछ भी बहाने बनाता है या कुछ नया तरकीबें सोचता है, वो चतुर होता है। तो हुदहुदों का ये मुखिया जो था वो चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। वो होशियार था, उसने क्या किया, बाकी सब हुदहुदों को आपके साथ बुलाया और बादशाह सुलेमान के सर पर अपने पैर, अपने पंख फैला के उसके ऊपर छाया कर दी। तो आगे देखो, मैंने वह चतुरता, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गीदों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गीदों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सपने मिलकर मेरी सहायता की है। और ये
हुदहुद जो है, हुदहुद का जो मुखिया है, मुखिया से ये सुलेमान बादशाह ने क्या मदद मांगी कि मेरे सर पे छाया धरो। तभी ये होशियार है, चतुर है मुखिया, किसका मुखिया, हुदहुदों का मुखिया। उन्होंने क्या किया, अपने सब साथियों को बुला के लाया और राजा के सर पर अपने पैर पंख फैला के छाया कर दी। तभी राजा क्या बोलता है, मैंने गीदों से भी मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मदद नहीं किया। तुम गीदों से छोटे हो पर चतुर हो। क्यों चतुर हो, कि क्योंकि तुम्हें कुछ, चतुर किसे कहा गया है, अपना मतलब निकालने वाले को हम चतुर कहते हैं। तो देखो ये हुदहुदों के मुखिया ने तो राजा को मदद की है, राजा भी प्रसन्न हुआ है, यानी कि उनके ऊपर खुश हुआ है, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और राजा बोलता है हुदहुदों को, क्या बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं खुश हो गया हूं, प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, और तुम कुछ भी मांगो, तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो मेरे पास व्यक्त करो, बोलो, मैं वो पूरी करने वाला हूं, पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, और ये मुखिया जो है होशियार है, चतुर है, वो क्या करता है देखो, मुखिया ने कहा, महाराज मैं आपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। और वो खुद उसने बोला नहीं, खुद भी बोल सकता था कुछ इच्छा है, लेकिन वो गया अपने सब सबकी मीटिंग ली, सबको इकट्ठा किया और सबके साथ सलाह, सबकी सलाह ली, सबके साथ बातें की और बोला। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। सलाह करना मतलब उनके साथ मीटिंग करना, भेंट यानी उसकी मुलाकात हुई है उनके साथ, सलाह मतलब उनके साथ सबके साथ बात करके मैं अपनी इच्छा बताऊंगा। बादशाह मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, और उस उनके उनसे सलाह लेके आया और कहा, महाराज वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। कलगी यानी वो मुकुट, सोने का मुकुट, आपके सर पे जैसा सोने का मुकुट है वैसा हमारे सर पे भी सोने का मुकुट होना चाहिए, ऐसा हमें वरदान दो, यानी कि वर दो, ऐसा हमें वर दो। अगर आप सच ही प्रसन्न हुए हैं तो हमें ऐसा वरदान चाहिए कि हमारे सर पे आज से सोने का कलगी निकल आ जाए। बादशाह हंसे और इस बात को बादशाह को हंसी आई और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा ये तुमने सोच लिया है, आगे जाके इसका क्या होगा, तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा या तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, इस बारे में कुछ अपने खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा या क्या मिलेगा, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है। तो देखो मुखिया क्या बोलता है, मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। परामर्श मतलब सलाह, मतलब मैंने बहुत सोच सोच के हम सभी ने सलाह मतलब परामर्श किया है इसके बारे में, यानी कि बहुत सारा सोच लिया है और ये हमने वरदान मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा ने, जो सुलेमान बादशाह था, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जो मांगो तुम्हारी मांग है वो पूरी करने वाला हूँ। सुलेमान ने क्या किया, प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई और उसी टाइम अगर राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें खुश होके वरदान दे रहा हूँ, आज से तुम्हारे सर पे क्या होगा, ये कलगी सोने की कलगी निकल आएगी, तो तुरंत सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा और इंसान देखो क्या है, इंसान ने क्या किया, लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगी। इकट्ठा करना, जमा करना। और पंछी, वो कलगी हुदहुद दिखा, उसके सर पे सोने का ताज है, छोटा सा कलगी है, तो उसको तीर से मारने का और वो कलगी इकट्ठा करने का, मतलब सोना इकट्ठा करने लगे लोग, मतलब अपना मतलब के लिए, अपना चलाने के लिए लोगों ने उनको मारना शुरू किया। किसको, हुदहुदों को।
हुदहुदों को तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश यानी के जाति समाप्त होने पर आ गया। मतलब आज 10 मारा, कल 20 मारा, 100 मारा, 200 मारा, मतलब ऐसे मारते मारते अगर सोना इकट्ठा करने के लिए लोगों ने उसे तीर से मारना शुरू किया हुदहुदों को, तो उनका क्या हुआ, वंश समाप्त होने पर आया। तब मुखिया घबरा कर, और मुखिया जो था जिन्होंने वर मांगा था सबकी चाह से, मतलब उन्होंने अकेले ने नहीं मांगा था, सबका राह लेके सबका सलाह लेके मांगा था, लेकिन वो बाद में घबरा गया, अरे ऐसे करने से हमारा वंश तो खत्म होते जा रहा है, इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसने क्या किया, मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंच गया और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो, मतलब बादशाह ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, मतलब मैंने तो इसके बारे में क्या होने वाला है इसके बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम सोच समझ कर मांगो, जो मांग है मैंने कहा है, तुम्हें वरदान दिया तो है लेकिन सोच समझ कर मांगने की सलाह भी मैंने दी थी। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर मतलब चलो अभी वो भूल जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा, मतलब तुम्हारे जो पर है उसमें से ही कुछ पर से वो सुंदर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज यानी कि कल की शोभा पा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, देखो कितना सुंदर दिखता है ना। तो ये तभी से ये वो कुछ अलग इसमें आता है, तभी उसको पूरा ऐसा है, जैसे मोर अपना पर ऐसा गोल करता है, कभी करता है वो जब बारिश आने की होती है तभी मोर अपना पिसारा फुल करता है, तभी वैसे ही ये पंछी आइंदा ये ऐसा पॉइंट जैसा रहता है। सुना ये हुदहुद को कलगी इस तरह से मिली है। तो बच्चों आज यहाँ पे हम रुकते हैं, इसके आगे का पाठ हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ गुजरे।